करनाल इंद्री यमुनानगर रोड बना हादसों का हाईवे। आज फिर दो ट्रकों और हरियाणा रोडवेज की बस की टक्कर हुई। हादसे में बस पलट गई, जिसमें बस सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोटें लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। घटना उस वक्त हुई जिस समय एक ओवरलोड ट्रक ने रोडवेज की बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद बस पलट गई। बस को टक्कर मारने के बाद ओवरलोड ट्रक ने एक अन्य ट्रक को भी टक्कर मार दी। गनीमत ये रही, हादसे में किसी ने अपनी जान नहीं गवाई। अक्सर करनाल इंद्री यमुनानगर रोड पर ओवरलोड ट्रक आए दिन हादसों को अंजाम देते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से इन ओवरलोड वाहनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। सर, ये रंबा पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने हुआ है, जो ये इंद्री से करनाल से इंद्री रोड जा रहे हैं, उसी पर आज सुबह ये दो ट्रक और बस के बीच में भिड़ंत हुई है। जो ओवरलोड ट्रक का यहाँ मामला सामने आया है, जिसमें रोडवेज की बस यहाँ पर साइड में जो पलट गई है और काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, इससे काफ़ी लोग को चोट लगी है, सब घायलों को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। फिलहाल कोई जान माल की ज्यादा दिक्कत नहीं आई। कितनी गाड़ियों के बीच में टक्कर हुई है? ये तीन गाड़ियों के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें एक ओवरलोड ट्रक था और एक रोडवेज बस थी और एक खाली ट्रक आ रहा था। तो पहले भी हादसे होते हैं इस रोड पे? इस रोड पे ये तो कोई एक ही दिन या एक ही दो दिन में आए हादसे होते हैं इस रोड पे। आपका नाम? मेरा नाम हरमीत पाल सिंह। ये हादसा इंद्री रोड इंद्री करनाल रोड पे हुआ है, अपना रंबा चौकी के बिल्कुल सामने। और ये हादसा हुआ है दो ट्रक और एक बस रोडवेज की बस के बीच में, जिसका मुख्य दोषी तो मतलब रोडवेज का ओवरलोड ट्रक का ही है। अपना ओवरलोड ट्रक था जो संतुलन बिगड़ा है या कोई ओवर स्पीड पे था, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, पहले उसने बस को टक्कर लगाई है, उसके बाद खाली ट्रक में जाके लगा है। और इससे ये है अभी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हाँ जी, घायल हुए हैं। करनाल कल्पना चावला? हाँ जी, करनाल कल्पना चावला हॉस्पिटल में उनको भेज दिया है एम्बुलेंस। लगभग कितनी सवारियाँ थी सर? सवारियाँ कम थी, ज्यादा मतलब भरी हुई नहीं थी, अराउंड 20-25 के अराउंड सवारियाँ थी। इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट। ये थी इस समय की बड़ी खबर। समय समय पर अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एसटीवी।